गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों, उसमें आप जानते होंगे कि रीजनिंग का कितना ही बड़ा महत्व है। अगर आप रीजनिंग 25 नंबर्स का है, यदि उसमें 24 कर देते हो तो आप एक गुड स्कोरिंग की पोजिशन पर पहुँच जाते हो। बच्चों, आज का जो हमारा जो पैटर्न है वो रेलवे का अपकमिंग जो वैकेंसी आई हुई है, अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है जो NTPC ASM और गुड गार्ड्स के लिए है, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डेमो वीडियो तैयार किया हुआ है बच्चों, जो कि रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हम बोलेंगे आकृतियों की गिनती और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिगर काउंटिंग। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर एक पैटर्न में आप जानते होंगे कि इससे एक नंबर फिक्स होता है। आने वाले वीडियोज में जिस वीडियो में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है कथन और निष्कर्ष, उसके भी वीडियो में लेकर आऊँगा। बच्चों, आपको यदि सीखना है तो ज़रूर जो है हमसे आप जुड़िए। और बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे ASM की या लोको पायलट की, उसका मैंने एग्जाम्स दिया हुआ है और दोनों क्लियर किया हुआ है, यह देखते हुए कि उसके पैटर्न क्या है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरे पास अनुभव है बच्चों, मैं आपको जो है उस मुकाम पर पहुंचा सकता हूं जिस पर आप जाने का प्रयास करते हो। आइए, बातों को ख़त्म करते हुए हम आज चलते हैं रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। पहला जो आपको जो है टर्मिनोलॉजी समझना है बच्चों, कि फिगर काउंटिंग में किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। याद रखना, त्रिभुज आपसे पूछता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि आपसे वर्ग पूछता है, क्या पूछता है, वर्ग पूछ सकता है। तीसरा जो है आपसे आयत के बारे में पूछता है। ओके बच्चों, अब ये जो है त्रिभुज, वर्ग और आयत जो है कैसे पूछा जाता है, इसको आइए हम डिस्कस करते हैं। तो त्रिभुज के अंदर जो है बच्चों, त्रिभुज जो है त्रिभुज के अंदर पूछा जा सकता है, त्रिभुज जो है चतुर्भुज के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है कि हम कैसे आपको फिगर काउंटिंग सिखाएंगे। आइए, बातों को यहीं समाप्त करते हुए आगे के टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम सीखने जा रहे हैं आकृतियों की गिनती, और आज हमारा पहला टॉपिक है त्रिभुज गिनना। क्या गिनना बच्चों? त्रिभुज गिनना। और किसमें गिनेंगे त्रिभुज? तो त्रिभुज में। किसमें गिनेंगे? त्रिभुज में। इसको हम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, त्रिभुज गिनना। किसमें? त्रिभुज में। बच्चों याद रखना, होता बहुत आसान है, लेकिन इसको आप जल्दी कैसे करोगे? जैसे एक एग्जांपल की सहायता से मैं यदि आपसे पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप तुरंत गिनकर बता दोगे, एक, दो और एक बड़ा वाला कितना होते हैं? तीन। क्या बच्चों ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे? नहीं आएंगे, कि जिसको आप आसानी से गिन सकते हो। आपके एग्जाम्स में आएंगे कि आप उसको काउंटिंग करके नहीं बता सकते कि कितने त्रिभुज होंगे। याद करना, देखो बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इस समय आपसे पूछूं कि कितने त्रिभुज हैं तो आप कैसे बताओगे? लेकिन मुझसे, मेरे वीडियो को ध्यान से देखो, आप 5 सेकंड के अंदर जो है आप बताओगे। क्या करना है ध्यान से देखना, नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या करना है, सबको जोड़ देना है और आपके जो है त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। बच्चों जितना जल्दी आप काउंट करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7, इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 28 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको पैटर्न देखना है। अब आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, आप क्या करोगे? 100% बता दोगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल जो है आपको मैं देने जा रहा हूँ, बच्चों अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा तो आप जरूर बताना कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। जल्दी से हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5, इसको क्या करेंगे, जोड़ दो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। फिर से गिन लेते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, जितना जल्दी बताओगे त्रिभुज कितने हो गए? 15 हो गए। ये एक पैटर्न आपको मैं मान लेता हूं कि आप समझ में आ जाएगा। कैसे? त्रिभुज में यदि त्रिभुज बनाया गया है तो आप इसको जो है जरूर आप निकाल लोगे। आगे आते हैं बच्चों, ऐसे ही मजेदार वीडियो जो है मैं आपको कथन निष्कर्ष से भी बनाऊंगा, पासे से भी बनाऊंगा। बच्चों आते हैं, अब अगर मैं कह दूं बच्चों कि इस टाइप के अगर पैटर्न आपको दे दिया जाए तो क्या करोगे? इजिली निकाल लेंगे जी। कैसे?
1, 2, 3 और ये क्या है 4 है और 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 है। याद रखना यदि त्रिभुज में त्रिभुजों को दो भागों में बांटा जाए तो यहाँ 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 10 दो भागों में बांटा गया है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? एक बार मैं और बांट दूं तो 10 इसमें और जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक बार मैं और बांट दूं 10 और हो जाएगा कितने त्रिभुज हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि इस टाइप के प्रश्न जो है अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप 100% जो है कर लोगे। बच्चों त्रिभुज में त्रिभुज गिनना अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, अब मैं सिखाऊंगा इसका अगला पैटर्न क्या है त्रिभुज गिनना किसमें। देखो बच्चों ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा हूं, किसमें गिनेंगे त्रिभुज गिनना किसमें, आयत में या वर्ग में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं यह एक वर्ग दिया गया है और इसमें पूछूं कितने त्रिभुज हैं। बच्चों नॉर्मली लड़के क्या करते हैं गिनते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 5 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो गया और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 8 हो गया। बच्चों एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसे काउंट करो, लेकिन जल्दी करने के लिए आप नंबरिंग कर दो, जितना लास्ट में आता है उसका दोगुना कर दो, कितने हो गए 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस आयत में त्रिभुज की बात करेगा तो आप त्रिभुज कितने बताओगे 8 त्रिभुज। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि चलिए बताइए तो जरा, आप यदि जागरूक हैं तो आपको नौकरी पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बच्चों बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, मैंने बोला काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 का डबल कर दो कितने हो जाएंगे 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या गिन रहा हूं मैं त्रिभुज गिन रहा हूं, किसमें तो आयत में। आ जाओ बच्चे आगे, आपसे जो है आयत जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसमें कितने हो गए 8 हो गए, 1, 2, 3, 4 इसमें कितने हो गए 8 हो गए। बच्चों एक बाउंड्री आने से, याद रखना जब दो चतुर्भुज को एक साथ जोड़ा जाता है तो जो बाउंड्री जनरेट होती है उसमें जो है दो त्रिभुजों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए 8, 2, 10 और 8 कितने हो गए 18। कोई बच्चा मुझे पूछेगा कि सर बताइए 2 कैसे बढ़ा, तो उसको देखो मैं दिखा रहा हूँ। देखो एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया, ओके, और एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया, ये 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हो जाते हैं लेकिन दिखता हमें नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, ट्राई करो जस्ट, मैं जो हूँ आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे रीजनिंग में 25 में 25 लाना चाहते हो, जल्दी से बताना, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बता दो बच्चों कितने होंगे और देखना चाहते हो। 8 यहाँ हो गए 8 यहाँ, टोटल 32 हो गए। एक बाउंड्री पे दो बढ़ेगा, सबको जोड़ दो बच्चों, जोड़ना घटाना तो मैं मानता हूँ कि आपको आता ही होगा, 2, 4, 6 और 32 यहाँ कुल कितने हो गए 38 त्रिभुज आपके सामने आ गए, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि केवल चतुर्भुज में त्रिभुज नहीं पूछता और केवल त्रिभुज में त्रिभुज नहीं पूछता, आपको जो है ऐसे मिक्स करके दे देता है। कैसे कि मान लो ये चतुर्भुज में त्रिभुज पूछ दिया और यहाँ पर आपको जो है यहाँ त्रिभुज भी बना दिया, ध्यान से देखना आपको कन्फ्यूज करेगा, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि जो पैटर्न मैंने बताया है वो लगा देना है, त्रिभुज में त्रिभुज का पैटर्न लगाना है, चतुर्भुज में चतुर्भुज का पैटर्न लगाना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। बच्चों 3, 2, 5 और 1, 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें, टोटल कितने हो गए त्रिभुज में 24 हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 नहीं इसमें कितने हो गए 8 हो गए और 24 और 8 कितना हो गया 32 हो गया। बच्चों ध्यान से देखना, क्या कितना समय लग रहा है 2 से 4 सेकंड लग रहा है। आगे आते हैं बच्चों, कुछ चीजें जो है गिनने से बेटर होता है याद कर लें, जैसे क्या, याद रखना स्टार, स्टार में तारा होता है और तारे होते हैं दो प्रकार के, तारे कितने दो प्रकार के, एक 5-pointed स्टार होता है और एक 6-point स्टार होता है। 5-point स्टार को जो है ऐसे बनाते हैं
और सिक्स पॉइंट स्टार को दो समबाहु त्रिभुज को जो है हम उल्टा करके बना देते हैं। देखो याद रखना ये फाइव पॉइंटेड है, 1 2 3 4 5, याद रखना इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 होती है। रट लो, इतना टाइम नहीं होता कि आप गिनोगे। याद रखना सिक्स पॉइंटेड स्टार में जो त्रिभुजों की संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। मेमोराइज कर लो, मैं ऐसा करता हूं आपको याद भी हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या होता है कि इसमें जरा बता दो, तो देखो इसमें जरा बताओ, देखो अगर ऐसा कहीं फिगर दिखा उसमें त्रिभुज तुरंत कितना बताना? 5 बताना। देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कौन से? 5 हो गया। लेकिन इसी जैसे त्रिभुजों को अगर 2-3 त्रिभुज और मिला दे तो क्या करोगे? जैसे क्या, आपको मैं एक और फिगर बनाकर दिखाता हूं बच्चों। ये देखो यहां पर यदि आपसे ऐसे पूछ देता है कितने त्रिभुज हैं, याद करना, गिनना बहुत कठिन है। क्या करना? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यदि कोई किसी त्रिभुज को बराबर बराबर भुजाओं में बांटा गया है, देखो 3 यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी, तो आप क्या करना, 2n² - 5 रूल लगा देना, जहां n की वैल्यू क्या है, जितने भागों में बांटा जाता है, यहां पर आ जाएगा 3² - 5, 3 × 9 = 18 - 5 कितने आंसर आ जाएगा? 13। इस प्रकार से जो है हम त्रिभुजों को आसानी से क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। बच्चों और भी होते हैं त्रिभुज गिनने के तरीके। अब जो है त्रिभुजों को छोड़ करके मैं अब आता हूँ वर्ग गिनना। वर्ग भी बच्चों बहुत ही आसानी से गिनते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, जो सेकेंड टॉपिक है, वर्ग गिनना। वर्ग गिनना बच्चों, वर्ग किस में गिनेंगे? पहले वर्ग में गिनेंगे, ठीक है, और दूसरा हम आयत में गिनेंगे। ये तो हमारा टॉपिक अभी क्लियर होगा बच्चों। देखो याद रखो इसमें अब हमें वर्ग गिनना है। वर्ग का डिफिनेशन तो आता ही होगा। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें बताओ कितने वर्ग होंगे? तो 1 2 3 4 और एक बड़ा सा कितने वर्ग हैं बच्चों? 5, भूलना नहीं है, ओके। मानो ये छोटा सा था, हमने बता दिया, आप भी बता दिए। अगर एक बड़ा सा वर्ग आ जाए, ध्यान से देखना, अगर ये मैंने बड़ा सा एक वर्ग बना दूं और इसमें आपसे पूछूं कि कितने वर्ग बने, देखो बच्चों डिजाइन पर मत जाना आप। आपको यदि वर्ग गिनना है तो कुछ नहीं करना है, रो और कॉलम क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तब हमें पता चल जाता है कि वर्ग में वर्ग को पूछा जा रहा है। नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग करने के बाद स्क्वायर करके क्या कर देते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं। तो 1² + 2² + 3² और हमारा ये 1 + 4 + 9 और ये हमारा 14 जो है आंसर आ जाएगा वर्ग। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि वर्ग में मैं वर्ग निकालना बता दिया, यदि आपसे कोई पूछे कि रो और कॉलम बराबर ना दे तो, जैसा कि ये डेमो वीडियो है, पूरी वीडियो आपको मिलेगी बच्चों, जस्ट लाइक ए डेमो वीडियो है, और आपको ये बताने का मैं 100% प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो वर्ग गिनना किस में बच्चों? आयत में। आ जाते हैं टॉपिक पे। मान लेते हैं ये दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ दिया कि कितने वर्ग हैं, क्या गिनना है? वर्ग। अब बच्चों नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 1 2 3। देखो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, इसलिए ये वर्ग में मेथड नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि बड़े रो का बड़े कॉलम में क्या करना है? गुणा करना है। याद रखना बड़े रो का बड़े कॉलम में गुणा करना है, तो जो वर्गों की संख्या होगी, 2 का किस में गुणा करेंगे? 3 में, प्लस ये 1 का गुणा किस में करेंगे? 2 का, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, टोटल कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग हैं। याद रखना बच्चों आयत में जब वर्ग निकालना होगा तो बड़े रो का बड़े कॉलम में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो 2 का गुणा 3 में, और यहाँ बड़ा रो क्या है? 1 है, लेकिन बड़ा कॉलम क्या है? 2 है। तो इस प्रकार से एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। चलो देखो इसमें आप बताओ तो बच्चों, मान लेते हैं इसमें जो है आपसे वर्ग निकालने के लिए पूछा, ठीक है। लो चलो बच्चों बताओ तो जरा, नंबरिंग 1 2 3 एंड 4,
वन टू, तुरंत टू का मल्टीप्लाई फोर में प्लस वन का मल्टीप्लाई थ्री में। अब हमारे पास वर्ग पता चल गया, आठ प्लस तीन। बच्चों बताओ ना कितना टाइम लगा, दो से चार सेकंड। दो से चार सेकंड के अंदर जो है आप आसानी से वर्ग बता दे रहे हो। अब बच्चों आपको कुछ और भी टॉपिक बताते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, देखो ये जो है इस टाइप के पजल्स आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें वर्ग कितने हैं। ध्यान दो बच्चों, इसमें पता है पाँच है, इसमें पाँच है, इसमें पाँच है, टोटल मिलके हो गए पंद्रह। लेकिन ये जो शेप है इसको इसमें भी गिना गया है, इसमें भी गिना गया है, ये शेप इसमें भी गिना गया है, इसमें भी गिना गया है, तो दो हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा, तेरह बच जाएगा। और आगे आते हैं बच्चों, देखो बहुत सारे फिगर बताएंगे आपको, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। ये वीडियो देखो, ये फिगर देखो, कितने वर्ग हैं, इसमें तो पाँच है और ये प्लस वन है, टोटल कितने हो गए, छः हो गए। बच्चों याद रखना इस टाइप के फिगर में वर्ग कितने, तो छः वर्ग हो गए, ओके। अब आते हैं बच्चों आगे, आपको एक बड़ा सा फिगर बनाकर दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। कैसे कंफ्यूज करेगा देखना, बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ये देखो वर्ग के अंदर जो है वर्ग बना करके दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कितने वर्ग हैं। बच्चों कितना सिंपल है, छः इसमें हैं और छः इसमें हैं, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए बारह, बिल्कुल आसान सा। बच्चों अब आ जाते हैं, चूंकि मैंने आपको डेमो वीडियो सिखाया है बच्चों, अब आपको सिखाते हैं आयत कैसे निकालते हैं, आयत गिनना, आयत गिनना। बच्चों आयत गिनने का तरीका बहुत आसान होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने आयत हैं, तो याद रखना, देखो इसमें कितने आयत हैं, तो आयत बहुत सारे हो सकते हैं। आयत जो है जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो याद रखना, इसमें अगर मैं आयत की बात करूं तो इसमें एक दो तीन चार, चार ये बन गया, ये देखो इस टाइप के दो बन गया, इस टाइप के दो बन गया, ठीक है बच्चों, चार दो छः दो आठ और एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए, नौ। लेकिन क्या इतना टाइम होता है मेरे पास, नहीं होता है। तो कैसे गिनते हैं, याद रखो, बिल्डिंग पर चढ़ जाओ और नीचे झांक करके देखो कितने कमरे दिख रहे हैं। तो कमरे यहां से चढ़कर देखने पर चार कमरे दिखेंगे, आगे बढ़कर देखने पर दो कमरे दिखेंगे, नीचे उतर जाओ यहां से दो कमरे दिखेंगे और यहां से एक कमरे दिखेंगे, टोटल कितने हो गए, चार दो छः दो आठ और एक नौ। ये रूल यहां भी लगा देंगे, यहां पर चढ़कर देखने पर जो है एक दो तीन चार पाँच छः कमरे यहां से दिखेंगे, यहां से देखने पर चार कमरे दिखेंगे, यहां पर दो कमरे दिखेंगे, यहां से देखने पर तीन, यहां से दो और यहां से एक, और हमारे पास आयत की संख्या निकल गई, छः चार दस दो बारह, तीन पंद्रह दो सत्रह और एक अठारह, आंसर हो गया। बच्चों चूंकि ये डेमो वीडियो था और आज जो है मैंने आपको आकृतियों की गिनती के बारे में जितना हो सका मैंने आपको बताया, और भी वीडियोस बनाऊंगा और आप मुझसे जुड़ो, मैं 100% गारंटी लेता हूं बच्चों कि आपका इस बार जो वैकेंसी आई उसमें एक सीट आपका पक्का हो गया है। यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे 8299310097 पर व्हाट्सअप करो। और बच्चों देखो, जो व्यक्ति जिस ऊंचाई पर पहुंचा होता है ना, वहां पहुंचाना बहुत ही आसान होता है। मैंने दो बार जो है रेलवे का एग्जाम फाइट आउट किया हुआ है, चूंकि मैं एक टीचर हूं, मुझे वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बस प्रश्न कैसे आते हैं ये देखने के लिए मुझे बार बार एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आप मुझसे जुड़िए और मैं आशा करता हूं कि आपको सारे डाउट दूर किए जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।